गुड्डू। गुड्डू बेटा। माँ कैसा है तू? माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये रेडियो रेडियो पर माँ क्या करूँ, तुझे फोन करने की बहुत कोशिश की लेकिन तेरा फोन ही स्विच ऑफ आ रहा था। फिर दादी ने बताया कि तू रेडियो पर लाइव आ रहा है, सोचा इसी पर कर लूँ, कम से कम बात तो हो जाएगी। माँ मैं ये लाइव रेडियो चल रहा है, ये यहाँ से निकलते ही फोन करता हूँ आपको, फिर बात करते हैं। बेटा तुझे क्या लगता है, तेरे पापा तुझसे प्यार नहीं करते? तेरे घर छोड़ के जाने से उन्हें तकलीफ नहीं हुई होगी? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ कि उनकी वजह से तो माँ मैं कुछ ही देर में आपको यहाँ से निकलते ही फोन करता हूँ। बाद में कब? नहीं अभी बताओ, तुम घर आ रहे हो या नहीं? न जाने क्या मुसीबत आ गई है उनके बिजनेस में। न मुझसे कुछ कहते हैं, न तुम्हारी दादी से कुछ कहते हैं। माँ प्लीज ये सारी बातें रेडियो पे मत करिए। ठीक है रखती हूँ, लेकिन बेटा गोल्डी भी कई दिनों से घर नहीं आया, न जाने क्या मुसीबत आ गई है इस घर पे। बेटा तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तुम आके ये सब संभालो, अब मैं और नहीं संभाल सकती। ऐसे भी मेरी सुनता ही कौन है? ठीक है माँ, मैं कुछ देर में करता हूँ फोन आपको। मुझे नहीं उन्हें कर। जी माँ। जीता रहे बेटा। Wow, Mr. Padak. Excellent. That was fantastic, Mr. Padak. You robbed it. Mother son's emotional conversation, father ko lekar, wo bhi radio pe live. It's gonna be rocking, sir. I know, isse hamari TRP bahut achhi ho jayegi, sir. Once again, thank you very much. Aur haan, aapne mujhse wo CD mangi thi na, Madhura ke last call ki. Oh. Thanks. माँ भी क्या बोलूँ, अभी वर्षों से जिस बात को छिपा कर रखा था सबके सामने लाइव रेडियो पे खोल दिया। अच्छा किया केडी, तुमको शेकअप करने का यही एक तरीका है। व्हाट केडी, तुम अपना खुद का फैमिली से दूर भागता है? अरे फैमिली से नहीं मिसेस बिलिमोरिया, मेरे वो बाबूजी से। सब मेरी भी मेरे फादर के साथ कुछ खास नहीं बनती, पर एंड ऑफ द डे फैमिली तो फैमिली होती है ना सर। नहीं नहीं, तू मुझे ज्ञान क्यों दे रहा है? देख तेरे फादर तेरे साथ। अच्छा अच्छा, डूइंग इट। घंटी बज रही थी, उठाया नहीं उन्होंने। से एक बार और ट्राई कर लीजिए प्लीज सर। बोल रहा हूँ नहीं उठाएंगे वो, जबरदस्ती करके फायदा नहीं है। हेलो। जी मैं जानता हूँ, कहो। नहीं वो आपने फोन किए थे? किया था बहुत पहले। हाँ इसलिए फोन कर रहा हूँ पता लगाने, क्या बात थी? थी पर अब नहीं। मतलब ये कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो वैसे भी आपको कब थी, क्या प्रॉब्लम क्या थी? क्या फर्क पड़ता है, रखता हूँ, एक मीटिंग में।
क्या हुआ सर? मीटिंग में है, बिजी है इस समय। ओ किड़ी, हाय। मेरे पापा ने ना कल ऑफिस में जाके अपने बॉस से जाके पूछा आपका रिडल कि चाइना के लोग जापान के लोगों से ज्यादा चावल क्यों खाते हैं, और उन्होंने ये जवाब दिया कि कि क्या दिया था? हाँ, कि चाइना की मिट्टी जापान की मिट्टी से ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए उधर ज्यादा चावल उगते हैं। है ना सही आंसर? नहीं नहीं, गलत जवाब है। लेकिन एक प्रश्न और है मेरे पास। जाकर अपने पापा को बोलना कि अपने बॉस से पूछे कि उनके बॉस कैसे बने। वैसे आंसर क्या है सर? आंसर क्या है तो सोच, इट्स कॉमन सेंस यार। लेट्स गेट बैक टू वर्क। मधुरा की जिस समय मृत्यु हुई, जिससे बात कर रही थी वो गिरीश लोखंडे, मन में ध्यान ही नहीं लग रहा। गिरीश लोखंडे, वो जो रिकॉर्डिंग है जरा चला के समय मधुरा ने छोड़ो कहा। हम सब जानते हैं कि मधुरा की मृत्यु गर्दन पर एक कराटे के वार से हुई थी, तो फिर छोड़ो क्यों कहा? बस इतनी सी बात मिस्टर पाठक, हो सकता है कि स्वरूप ने उसकी जान लेने से पहले उसके कंधे या हाथ को पकड़ा। नहीं 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 नहीं, जिस तरह से वो करहा रही थी ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने उनका गला दबोचा था। आवाज कैसी भी हो मिस्टर पाठक, द फैक्ट इज कि मधुरा की मौत गला दबाने की वजह से नहीं हुई, बल्कि स्वरूप के कराटे स्ट्रोक की वजह से हुई। चलिए ना, छोड़िए इस छोड़ो को, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इस पर फिर लौट कर आएंगे। स्वरूप, कौन कौन आया था आपके आने से पहले आरजे के उस केबिन में? मेरे वहां आने से पहले विभोर आया था, फिर जब मैं आया था उसके बाद फिल्म एक्ट्रेस लतिका, मेरे जो इंटरव्यू थी उसके लिए, और मंदार जो क्यून थे वो कॉफी के साथ आए थे, लेकिन मैंने कुछ देखा नहीं। जो बातचीत हुई उन दोनों के बीच में मैं नहीं जानता हूं। आप क्रॉसवर्ड कर रहे हैं? जी, मैं क्रॉसवर्ड कर रहा था योर ऑनर। सर्वप्रथम विभोर जी आए थे उस कमरे में, ब्लू एफएम के सीईओ, तो उन्हें ही पहले मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? यस मिस्टर पाठक, ठीक कह रहा है स्वरूप, उसके आने से पहले मैं ही उसके केबिन में गया था। समय आप केबिन में गए उस समय मधुरा बोल रही थी रेडियो पर? नहीं, उस वक्त गाना चल रहा था इसलिए ब्रेक था। और सर उसके बाद मैं अपने केबिन में वापस चला गया, उस वक्त मैं अपने केबिन में ही था जब मंदार मेरे पास आया और उसने मुझे ये खबर दी कि मधुरा की डेथ हो गई है। तो जब आप मधुरा से मिलने गए थे अंदर, उन्हें देखकर उनसे बातचीत करके क्या लगा आपको? स्वस्थ थी वो, ठीक ठाक थी? यस मिस्टर पाठक, शी वाज परफेक्टली ऑल राइट। अब लेकिन एक बात मैंने नोटिस की उस वक्त आरजे केबिन का टेम्परेचर 20 डिग्री था, और 20 डिग्री में भी मधुरा को पसीना आ रहा था, उसे गर्मी लग रही थी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। बात को पता लगाने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि मधुरा हीट स्ट्रोक से नहीं
कराटे स्ट्रोक से मरी। योर ऑनर, मैं अभिनेत्री लतिका जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति जी, मैं ब्लू रेडियो स्टेशन अपने आने वाली फिल्म की प्रमोशन के लिए आई थी और स्वरूप के साथ मेरा रेडियो इंटरव्यू था, इसलिए मैं बाहर बैठी थी। बाहर तो बैठी थी आप, लेकिन कुछ समय के लिए आप आरजे कैबिन में गई थी ना जब मधुरा वहाँ थी? हाँ, क्योंकि मैं बहुत पहले से उस कमरे में बैठी थी और मधुरा के पीछे वाली टेबल पे मैं अपना कॉम्पैक्ट भूल गई थी। आई जस्ट वेंट टू कलेक्ट दैट। रेडियो इंटरव्यू के लिए आप मेकअप कर रहे थे? ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, इसीलिए क्योंकि रेडियो ऑफिस के बाहर सब लोग मेरे साथ अपनी फोटो खिंचवाना चाहते थे। राइट राइट। वैसे ये बात सच है ना कि आपका ये जो इंटरव्यू था वो मधुरा के साथ ही था, किंतु आप ही ने, जो सीईओ है हमारे विभोर जी, उनसे आपने कहा था कि आप मधुरा से बात नहीं करेंगे, मधुरा के साथ ही इंटरव्यू नहीं करेंगे, सच है? हाँ, क्योंकि इससे पहले जब मैं मधुरा को अपना इंटरव्यू देने के लिए गई थी तो लाइव शो के दौरान उसने मेरी इंसल्ट की थी, मजाक उड़ाया था मेरा। इट्स नॉट नाइस लतिका जी। ये बताइए कि जब आप आरजे कैबिन में गई अंदर तो क्या कहा मधुरा ने आपको? जी नहीं, उसने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। से मुड़के भी नहीं देखा। उसका मतलब ये कि इन्होंने मधुरा का कत्ल किया। What's the point? क्या आप किसी और गवाह को बुलाना चाहेंगे? मंदार जी है ना यार। हाँ साहब, मैं भी उस कमरे में गया था, लेकिन सिर्फ मधुरा मैडम को कॉफी देने के लिए। मैं अंदर गया, टेबल पे कॉफी रखा और चला आया। क्या बात, पी थी कॉफी उन्होंने? नहीं साहब, वो तो रेडियो पर बात कर रही थी। कॉफी रखी आपने, चले गए? जी साहब, मुझे साउंड वाले प्रतीक सर ने इशारे से बुलाया था। अच्छा। उनका कुछ साउंड का गड़बड़ था, वो मुझे वॉइस चेक करने के लिए बोले। क्या हुआ साहब, आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने ही उन्हें मारा था? नहीं। मिस्टर पाठक, आपने 3 गवाह बुलाए, अब मैं 1 गवाह बुलाना चाहूंगी। योर ऑनर, मेरे अगले विटनेस हैं मिस्टर केडी पाठक। मिस्टर पाठक, जिस वक्त आप मिस मधुरा का रेडियो शो लाइव सुन रहे थे, उस वक्त उनकी मौत हुई। जी, मैं गाड़ी में उनका शो सुन रहा था। और वो कंटिन्यूसली अपने शो पर बात कर रही थी, तो इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली वो उस वक्त जिंदा थी। ऑब्वियसली। इस शो के दौरान जब वो बोल रही थी, आपके द्वारा बुलाए गए 3 विटनेस, यानी कि जो शो प्रोड्यूसर है, इसके अलावा लतिका जी और मंदार, कैबिन में आए और बाहर गए, और उसके बाद भी वो बात कर रही थी, तो इसका मतलब है कि वो तब भी जिंदा थी। आप इस बात को मानते हैं? जी ऐसा लगता है, लेकिन अक्सर हम सुनते कुछ और है, होता कुछ और ही है। मिस्टर पाठक, शब्दों के जाल में मत उलझाइए। ये लाजमी सी बात है कि इंसान अगर बात कर रहा है तो वो जिंदा है, ये बात आप ही ने कही है। उसका मतलब आपके द्वारा यहां पर ये 3 विटनेसेस जो आप लाए, उन तीनों का मर्डर मोटिव तो बनता ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो कोई चांस मिला ही नहीं। जी, इस समय तो ऐसा ही लगता है। ऐसा ही है मिस्टर पाठक। ये बताइए कि आपको कब पता चला कि मधुरा की मृत्यु हो गई? ऑब्वियसली जब बोलना बंद कर दिया उसने, तब। मतलब वो उसी वक्त मरी थी, और उस वक्त कैबिन में उनके साथ सिर्फ 1 व्यक्ति, सिर्फ 1 व्यक्ति था, और वो थे मिस्टर स्वरूप। मेरा आखिरी सवाल, और मैं चाहूंगी कि आप सच्चाई से इस सवाल का जवाब दें, वो ये कि अगर आप स्वरूप के वकील नहीं होते तो क्या आपको भी लगता कि मधुरा का कत्ल स्वरूप ने किया है? देखिए प्रोसिक्यूटर साहब, मैं अगर स्वरूप का वकील नहीं होता तो किसी को क्या फर्क पड़ता मेरी सोच से? आपने भी इस केस को लेने में काफी वक्त लगाया, क्योंकि कहीं पर आपको शक था कि मधुरा का कत्ल स्वरूप ने किया है। उस समय, लेकिन अब नहीं। थैंक यू मिस्टर पाठक। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूं, मुझे रोकना चाहिए अभी। अरे वो पैसे सब में जुए में हार गया, क्या करूं? बस ये आखिरी बार, लास्ट टाइम, इसके बाद नहीं मांगूंगा। हाँ
शाबाश, अरे ये हुई ना बात। हाँ हाँ, अब कल रात उसी डब्बे में। सब इन तस्वीरों में लतिका ब्लू एफएम के कर्मचारियों के साथ है। इन तस्वीरों में आप क्या देख रहे हैं? और मैं इनमें प्रयास कर रहा हूँ वो समाचार पत्र ढूंढने का जिस पर क्रॉसवर्ड कर रहा था उस दिन स्वरूप। ये साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि समाचार पत्र आरजे केविन में पहले से था। पॉज कर, पॉज। वो देख, समाचार पत्र आरजे की मेज पर पड़ा हुआ। हाँ सर, क्रॉसवर्ड प्लेट्स तो ब्लैंक है, यानी स्वरूप सच बोल रहा है सर। उसने कमरे में आकर ही उस क्रॉसवर्ड को भरा। सर आपने प्रूव कर दिया। मात्र इतना काफी नहीं है स्वरूप को अदालत में निर्दोष साबित करने के लिए? कुछ और भी चाहिए। क्या हुआ सर? थोड़ा और सुन कर। वो देख, मेज पर चमक है, यानी कि पानी गिरा हुआ था, और वहां जो कागजात पड़े हुए हैं वो गीले हैं। हाँ तो? तो अगर मेज पर पानी गिरा हो और कागजात भीग गए हो उस पानी में, तो अदालत में साबित हो जाएगा कि स्वरूप निर्दोष है। बात क्या है? हाँ ठीक है, आप बोलता है तो कल से अपन कोर्ट में नहीं आएगा। हाँ लेकिन एक बात बोलता है, अपन को मजा बहुत आता है वहाँ। ठीक है, इस टाइम नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा चलता है अपन। मिस्टर पाठक, आप इस कोर्ट का वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? क्या दिखा रही? रुकिए तो, सब्र रखिए तो, बताता हूँ। ये देखिए योर ऑनर, जरा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मदुरा की मेज पर पानी गिरा हुआ है जिसमें उनके कागजात पूरी तरह से भीग चुके हैं। हाँ तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है जी? इससे क्या होता है? क्या मिस्टर पाठक, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? यही होता है, से ये होता है योर ऑनर, जब मेज पे पानी गिर जाए तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अपने कागजात समेटने लगता है, उन्हें पानी से बचाने लगता है। इट्स नेचुरल, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हाँ, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, बट व्हाट? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? वो देखिए, वहाँ मेज पर गीले कागजात रखे हुए हैं, पूरी तरह से भीगे हुए। अब मैं समझाता हूँ आपको आगे। स्वरूप, कैसा भाई? तुमने कहा था कि तुम मधुरा के पीछे बैठे थे, बैठकर क्रॉसवर्ड कर रहे थे। सर, दस फीट की दूरी पर। सर, दस फीट की दूरी पर? हाँ, तो क्या वहां से तुमने एक बार भी मधुरा को देखा? वहां उसे हिलते डुलते हुए देखा? उसका चेहरा देखा तुमने? सर, सर वो तो बस बोली जा रही थी सर माइक पर, और मैं पीछे बैठा था इसलिए। जिसका अर्थ यह हुआ कि केवल आपने उनकी आवाज सुनी या उन्हें वहां नहीं देखा? उसी पर। क्या आपने देखा था वहां, आप जब अपना वो क्या छूट गया था, वो क्या कॉम्पैक्ट? तो जो कॉम्पैक्ट आपका अंदर छूट गया था जब आप लेने गई थी, आपने बताया था कि अब कोई बातचीत नहीं हुई आपकी उनके साथ। मुझे कुछ याद तो नहीं है। नहीं, मैं याद दिलाता हूँ आपको कि आपकी बातचीत नहीं हुई थी, ऐसा आपने कहा था पहले कथन में। तो क्या आपने देखा था मधुरा जी को? मुझे कुछ याद तो नहीं है। नो, आई डोंट थिंक सो। आप उनके पीछे बैठी थी, कॉम्पैक्ट उनके पीछे ही छूट गया था, वहीं से आप लेकर चले गए, उनका चेहरा नहीं देखा? नहीं। ये होता है योर ऑनर, आगे समझाने के लिए मैं मंदार को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? जी नहीं साहब, मैंने तो मधुरा मैडम को हिलते दुलते नहीं देखा, सिर्फ अपने कुर्सी पे आराम से बैठी थी और बोलती जा रही थी। राइट राइट राइट। तो जब आप वो कॉफी का कप रख रहे थे वहाँ, वो चेहरा देखा था? जी नहीं सर। मिस्टर पाठक, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ योर ऑनर कि स्वरूप के उस कमरे में दाखिल होने से पहले ही मधुरा जी की मृत्यु हो चुकी थी।
कि मैं जब केबिन में गया। What do you mean, Mr. Patak? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं अपनी आरजे को मारूंगा? क्यों? संभावना है मिस्टर पाठक, आप होश में तो हैं? बिल्कुल होश। मधुरा पहले से कैसे मर सकती है? योर ऑनर, वो जो कुर्सी है आरजे केबिन की, मैं स्वयं उस पर बैठा हूँ। बड़ी सी ऊंची सी कुर्सी है और उस कुर्सी के पीछे खड़ा व्यक्ति देख नहीं पाता कि उस कुर्सी पर कौन बैठा है। अब किसी गवाह ने भी मधुरा को हिलते डुलते नहीं देखा, किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा, और वो मेज पर गिरे हुए पानी में कागजात भीगते रहे। उन्होंने कागजात बचाने का प्रयास भी नहीं किया। इन सब कारणों पर आधारित है मेरा ये विश्वास कि मेरे मुवक्किल के उस कमरे में दाखिल होने से पहले ही मधुरा जी की हत्या हो चुकी थी। मिस्टर पाठक, मरे हुए लोग बात नहीं करते, और मधुरा लाइव शो पर बोल रही थी। नहीं नहीं, शो लाइव था, लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि मधुरा जी लाइव थी या नहीं, अर्थात कि उनकी आवाज जो थी वो रिकॉर्डिंग भी हो सकती थी। इसी बात की पुष्टि करने के लिए योर ऑनर, साउंड रिकॉर्डिस्ट प्रतीक को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? पिछली कथन में मंदार ने बताया था कि जब वो कॉफी देने गए मधुरा जी को, तो आपने अचानक उन्हें बुला लिया ये कहकर कि साउंड में कुछ कष्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी सर, वो अचानक से आखिरी कॉल के दौरान मधुरा का वॉल्यूम काफी ड्रॉप चला गया था सर। अच्छा, आपके कहने का ये अर्थ है कि मधुरा जी की आवाज की जो रिकॉर्डिंग थी उसका वॉल्यूम थोड़ा लो हो गया था, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आप? जी जी, मतलब राजी थी, उनकी आवाज रिकॉर्ड कर दी गई और फिर कॉलर के साथ पैच कर दी गई ताकि लगे कि वो अभी भी जीवित हैं, लेकिन ऐसा था नहीं, संभव है ना? मतलब ये सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। दिस इज अब्सर्ड मिस्टर पाठक, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मधुरा कोई सिंगल मोनोलॉग नहीं बोल रही जो रिकॉर्डेड हो सकता था, वो एक लाइव कॉल हैंडल कर रही जहां पर मुसलसल सवाल और जवाब चल रहे थे, और वहां पर गिरीश लोखांडे नाम के एक आदमी ने लाइव कॉल भी की थी। नहीं, मतलब मधुरा जी की आवाज की रिकॉर्डिंग बनाई जा सकती है तो गिरीश जी की आवाज की भी रिकॉर्डिंग बनाई जा सकती है। कौन सा नया एंगल है मिस्टर पाठक? जी नहीं सर, कॉल से पहले सर मैंने खुद गिरीश से बात की थी और वो कॉल लाइव ही था सर। ये कॉल लाइव था, ये बात मैं प्रूव कर सकती हूँ। अरे मेरा तो लाइव में एक किच प्रॉब्लम है, मेरा बॉस बस एकदम खड़ूस है। बॉस, कुछ नया बोलो, ये तो हर किसी के लाइफ का प्रॉब्लम है बॉस। वैसे अकड़ू है क्या? अकड़ू? अरे एक नंबर का जल्लाद है, दिन भर या तो गधे की तरह काम करवाता है या फिर भूमा भूम करता रहता है। तंग आ गया हूँ मैं तो उससे। सहानुभूति तुम्हारे साथ है। वैसे तुम करते क्या? कुरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय हूँ 4 साल से। सुना आपने, ये कोई रिकॉर्डेड कॉल नहीं है, एक लाइव कॉलर आरजे से बात कर रहा है और ये पूरी कॉन्वर्सेशन में उनके हर सवाल का मधुरा जवाब दे रही है। I'm sorry, Mr. पाठक, मुझे ये कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया हुआ नहीं लगता है। और अगर ये है तो मिस्टर पाठक इस बात को साबित कीजिए। इसे साबित करने का एक ही तरीका है योर ऑनर। Got it. Mr. Varun, ये है उस कॉलर का नंबर, हमने अपने डेटाबेस से निकाला है। इसका नाम है गिरीश लोखंडे और ये भांडुप में रहता है, किसी कुरियर कंपनी में काम करता है। थैंक यू। We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number. नंबर बदल दिया उसने सर, अब क्या करें? कोई और जानकारी है उसकी? भांडुप में रहता था। जी हाँ सर, और इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इस मामले में पुलिस भी हमारी मदद नहीं करेगी, और इन्फॉर्मेशन के लिए समय लगेगा सर। समय तो है नहीं हमारे पास, कल सवेरे इस केस की अगली और संभवतः आखिरी सुनवाई है। कल अगर अदालत में इसे पेश नहीं किया तो केस हाथ से गया समझो। हेलो, मेरे को तो बोला था कि फोन पे कभी बात नहीं करेंगे, हाँ? अभी क्या हुआ? क्या अब मुझे ढूंढ रहे? मुझे क्यों
क्यों? देखो अगर मैं पकड़ा गया ना तो मैं है? भाग जाऊं किधर? क्यों है? ठीक है, हाँ हाँ हा, भाग जाता हूं, चला जाता हूं। अब लेकिन उसके लिए रोकड़ा लगेगा फिर। हाँ, पूरे 10 लाख एकदम रोकड़ा। क्या बोला? अरे भाई शहर बदली करने का है तो खर्चा तो होगा ही ना, है? कितना मगन मारी है मालूम है? नहीं नहीं देना? ठीक है, अभी 20 लाख, पूरे 20 लाख रोकड़ा, समझे? अभी हेलो हेलो उनका दिया इसकी तो कि तो मैं खैर अब देख मैं क्या करता। हेलो केडी साहब। हाँ मेरे को आप ही से बात करने का है, मैं गिरीश लोखंडे। हाँ गिरीश जी बोलिए। क्या केडी साहब आप मेरे को ही ढूंढ रहे हैं ना? हाँ आप ही को ढूंढ रहे थे। एक मिनट होल्ड करिए। हाँ सॉरी गिरीश जी, वो किसी को बाय बोल रहा था। बताइए। अपन को सब मालूम है आप अपन को ही ढूंढ रहे हैं, तो अपन ने सोचा क्यों ना आपको फोन करके आपका काम आसान कर दूं। हाँ गिरीश जी एक्चुअली मैं आपसे मधुरा की मृत्यु के बारे में वार्तालाप करना चाह रहा था। वो आखिरी कॉल आप ही ने किया था ना? हाँ मैंने ही किया था, लेकिन उस कॉल के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, है? मथुरा के असल हत्यारे की। असल हत्यारा कौन है वो हमें भी तो बताइए। हाँ ऐसे थोड़ी बताएंगे, कोई भी हो सकता है वो। उसका बॉस विभोर, डायरेक्टर असीम, साउंड प्रतीक, या फिर प्यून मंदार, या फिर हीरोइन लतिका, कोई भी हो सकता है। अपन आपका केस कितना अच्छा तरीके से फॉलो कर रहा है ना? क्या कहना चाह रहे हैं आप गिरीश जी कि वो जो फोन आपने किया था इनमें से ही किसी के कहने पर किया था आपने? उसी के जिसने मधुरा को टपकाया था। अच्छा किसने? हाँ अब ऐसे थोड़ी बता देंगे, अब उसके लिए तो मिलना पड़ेगा ना, है ना? तो एक काम करते हैं, 11 बजे मिलते हैं, ठीक 11 बजे रात को, है ना? आप मैं और 10 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग। 10 लाख तो कम है क्या? सच बताने की कुछ तो कीमत होगी ना? हाँ पैसे लेकर ही आना, वरना मत आना, नहीं तो ना नाम मिलेगा ना सबूत। एक केस जीतोगे ना? है मिलते हैं, बाय। 10 लाख? हाँ पैसे तो वापस आ जाएंगे, पैसे कहाँ जाएंगे। तू एक काम कर, इसमें जो मैंने रिकॉर्डिंग की है उसकी कॉपी बना, मैं बताता हूँ तुझे क्या करना है। हेलो। अच्छा आप हैं, अभी फोन करने से कोई फायदा नहीं, जो पैसा तुमने नहीं दिया केडी साहब अपन को दे रहे हैं, रोकड़ा पूरे 10 लाख, समझा? अभी तुम जाओ भाड़ के साथ जेल में। बाय। क्यों ना 20 लाख मांग लूं, हो सकता है घबरा के दे ही दे। आइडिया अच्छा है। ये आवाज तो यही आसपास से कहीं से आ रही है। नहीं नहीं देखो चलाना नहीं, चलाना नहीं। रोक!
दवे। दोपहर को केस की सुनवाई है और गिरीश की हत्या कर दी गई। कोई तो है इस केस के पीछे, लेकिन कौन, इतने कम समय में कैसे पता लगा? सर मुझे तो आगे डेड एंड दिखाई दे रहा है इस केस में। तेरे पास गिरीश का पता है ना, उसके घर का? जी। जा वहां, जा देख, कोई सुराग ढूंढ के निकाल। ओके सर। जा केडी से मिल ले। हाय केडी। देखो ये है मेरा नया टॉय पैरेट, इसका नाम है सनी। आप जो भी बोलोगे ये सेम रिपीट करेगा। डेमो दिखाऊं? एम आई राइट और एम आई राइट? देखा मस्त है ना? हाँ। इसकी गर्दन मरोड़ दो, मूड हो रहा है मेरा। नहीं तू जा यहाँ से, मेरा काम करने दे। ठीक। अरे हाँ, सनी को भी यही आंसर चाहिए। चाइना के लोग जापान के लोगों से ज्यादा चावल क्यों खाते हैं? अच्छा, वो इसलिए क्योंकि चाइना की आबादी जापान से ज्यादा है, इसलिए वहां से ज्यादा लोग चावल खाते हैं। समझा? जाएगा अभी। क्या आप लोग गिरीश लोखंडे को जानते हैं? क्यों, उसने भी तेरे से उधारी ली है क्या? नहीं, मुझे उस कोरियर कंपनी का एड्रेस चाहिए जहाँ वो काम करता है। गिरीश और कोरियर कंपनी में काम? ये कोई दूसरा गिरीश होगा, ये वाला तो 5 साल से बेकार बैठा है। अच्छा गोली दिया लगता उसने तुम्हें। सर जब कोरियर कंपनी नहीं है तो फिर वो मथुरा को फोन करके इस बॉस के बारे में कंप्लेन कर रहा था। इसका मतलब यह है कि वो पूरा कॉल ही फेक था। हाँ, कॉल फेक था। ये मदुरा की हत्या के षड्यंत्र का हिस्सा है। पर बिना गिरीश के हम ये साबित कैसे करेंगे? तुमने सुना है ना, लोहे लोहे को काटता है। इसी मुहावरे का इस्तेमाल हमें अदालत में करना पड़ेगा। अच्छा आइडिया है, लेकिन जहां भी भेजूंगा वापस आ जाएगा। अच्छा ये बात है, तो ठीक है तुम एक काम करो, तुम अपने बॉस से कहो कि वो 99.9 ब्लू एफएम सुने, उनका दिमाग रहेगा शांत और ठंडा। हेलो मधुरा जी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। तो आपका कहना है कि ये पूरा फोन कॉल नकली है? जी जी नकली है, मधुरा ने जो भी कहा वो योर ऑनर पहले से रिकॉर्ड कर लिया गया। लेकिन गिरीश लोखंडे की आवाज तो लाइव थी। हाँ गिरीश जी की आवाज लाइव थी, लेकिन गिरीश जी वही बोल रहे थे जो उन्हें बोलने को कहा गया। मतलब एक जैसे एक फिल्म की डायलॉग स्क्रिप्ट लिखी जाती है, पहले से ही पता होता है कि आप क्या कहने वाले हैं, सामने वाला क्या उत्तर देने वाला है, बस उसी प्रकार से ये किया गया था ताकि रेडियो पर मधुरा की आवाज उनके जवाब उचित लगे। वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी है ना? जी, लेकिन आप ये साबित कैसे करेंगे? हमने सुना है कि कल रात गिरीश की मौत हो गई। ऐसा सुना आपने? जी। नहीं नहीं गलत सुना है। क्यों? हाँ नहीं, मतलब गोली चली थी उनको, लेकिन वो ठीक है। योर ऑनर, सिटी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 32 में वो इस समय भर्ती हैं, चिकित्सा चल रही है उनकी। आप कहें तो आपकी बात करवा दें, वार्तालाप करवा दें उनके साथ। योर ऑनर वैसे भी अभी गिरीश जी हैं जो हमें बता सकते हैं कि ये पूरा षड्यंत्र जो है इसका रचयिता कौन है, किसने मारा है, किसने मरवाया है मधुरा को। स्पष्ट सी बात है योर ऑनर की गिरीश जी की चिकित्सा चल रही है, इसलिए वो अदालत नहीं आ सकते। मैं अनुमति चाहता हूँ अदालत से उन्हें फोन लगाने का। अनुमति? हाँ गिरीश जी, केडी पाठक बोल रहा हूँ। केडी साहब, वो मधुरा जी की मृत्यु को लेकर आपसे चंद प्रश्न करने थे। जो ये बताइए गिरीश जी, जो फोन अंतिम वहाँ रेडियो स्टेशन पर गया था, आप ही ने किया था ना? हाँ मैंने किया था, लेकिन उस कॉल के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, मधुरा के असल हत्यारे की। अच्छा,
तो नहीं मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आपकी वो जो कॉल आपने किया था वो किसी और ने करवाया था आपसे, आपने जो बोला था वो आपको बोलने को बोला गया था ऐसा? उसी के जिसने मधुरा को टपकाया था। अरे तो फिर नेक काम में देर कैसी, उस हत्यारे का नाम बताइए ना, कौन था वो? अब ऐसे थोड़ी बता देंगे, उसके लिए तो मिलना पड़ेगा ना, आप मैं और 10 लाख रुपये से भरा हुआ बैंक। क्षमा चाहता हूँ, 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, आप चिंता मत करिए। जल्दी से उसका नाम बताइए उस व्यक्ति का। उसका बॉस विभोर। विभोर मित्रा पकड़ो से। मैंने ही मारा है मधुरा को। केडी पाठक की थ्योरी बिल्कुल सही थी, मैंने ही मधुरा को मारा है। लेकिन आपको तो कराटे आता ही नहीं ना। अरे क्या बात कर रही हैं आप, बताइए ना इन्हें, वो क्या नाम था वो जापानी जो ट्रेनिंग देते हैं, फुजीमोटो साहब, उनसे आपने ट्रेनिंग ली, बताइए सर इन्हें। हाँ ली थी मैंने ट्रेनिंग, और उसके बाद मैंने मधुरा की आवाज़ की पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी जमा की और उसकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ के टुकड़े मैंने जोड़ दिए, और लकीली मुझे एक टेप में मधुरा के मरने के एक्टिंग करने की आवाज़ मिली जिसमें वो अपने किसी स्टूडियो गेस्ट के साथ मजाक कर रही थी। बस फिर क्या था, मैंने उसकी वो आवाज़ पुरानी आवाज़ों के साथ जोड़ दी, और उसके बाद मैं गिरीश लोखंडे से मिला। ए! ये ले तेरे 50,000 रुपए और ये स्क्रिप्ट, इसमें जो लिखा है ध्यान से पढ़ लेना, सामने वाली मधुरा भी वही बोलेगी। अब लेकिन ये सब ड्रामा क्यों? ए! जितना बोल रहा हूं उतना कर, ज्यादा पूछताछ मत कर। सुन, ठीक 9:15 रेडियो स्टेशन पे फोन कर देना, और हाँ फोन तू इस सिम कार्ड से करेगा, इसी से फोन करना, तेरा कॉल मैं सबसे पहले लगवा दूंगा, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और हाँ स्क्रिप्ट में जो लिखा है ना खूबहू वही बोलना। उस दिन जब मधुरा का लाइव शो चल रहा था तब गिरीश से बात करने से पहले मैं उसके कैबिन में पहुंच गया था। स्वरूप ने तुमसे मेरी बुराई की है? लेट इट बी। वेल मधुरा गाना खत्म होने वाला है, बैक टू लाइफ। विभोर मैं बाद में बात करती हूँ। एंड यस हु इज द नेक्स्ट कॉलर ऑनलाइन? ओके एंड योर रिक्वेस्ट। जानता हूं कि आप लोग मेरी ये कहानी सुनकर शॉक्ड हो गए होंगे कि एक रेडियो स्टेशन का बॉस अपनी आरजे का कत्ल करता है ऑन एयर लाइव। क्यों? क्या करता मैं, क्या करता मैं? कई महीनों से हमारी रेटिंग्स डाउन पे डाउन डाउन पे डाउन होती जा रही थी, नंबर 1 की पोजीशन से फिसलकर हम लोग नंबर 5 पर पहुंच गए थे। कैन यू इमेजिन मिस्टर केडी पाठक, नंबर 5 पर पहुंच गए थे हम लोग। मेरे ऊपर जो मेरे बॉसेस हैं उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी थी कि अगर 1 महीने के अंदर नंबर्स नहीं बदले तो तुम बदल दिए जाओगे। क्या करता, स्ट्रेस में आ गया था मैं, सोच रहा था कि कैसे 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 कोई ऐसा मसाला डालूं कि लोग मेरे रेडियो स्टेशन तक खींचे चले आए। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना
लाइव मर्डर किया जाए, कितना सारा मसाला मिलेगा। इससे बड़ी पब्लिसिटी हमारे चैनल को नहीं मिल सकती। लाइव मर्डर। अफसोस कि मदुरा को बलिदान देना पड़ा, लेकिन लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज देखिए ना, आज हर किसी के मुंह पर हमारे चैनल का नाम है। Everybody is talking about our radio station. Everybody is talking about Blue 99.9 FM. Everybody, everybody, आज हम लोग फिर से नंबर वन पहुंच गए। We are number one. चैनल तो नंबर वन है, लेकिन आप तो नंबर नन हो गए ना इसी चक्कर में। हाँ, वो इसलिए मिस्टर केडी पाठक की वो गिरीश बच गया। नहीं हुआ कि तो मृत्यु हो चुकी है गिरीश जी की। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी ने गोली मारी थी ना उन्हें, क्या मर गए हो? लेकिन वो हॉस्पिटल से आवाज किसकी थी? वो तो लाइव आवाज थी ना। अरे भाई, अब ये सब प्लान बनाकर, योजना बनाकर, कहानी बनाकर, स्क्रिप्ट लिखकर, आवाज की रिकॉर्डिंग करके सामने वाले को धोखा देना, ये केवल सिर्फ आप ही को आता है। नहीं ना, अब आप ही के बताए हुए मार्गदर्शन पर हम चले और आप ही के साथ ऐसा ही किया। रिकॉर्डिंग थी गिरीश जी की, हाँ मेरी आवाज लाइव थी। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत विभोर मित्रा को मदुरा बिष्ट और गिरीश लोखंडे के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और स्वरूप झाला को सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। आपने सिर्फ मेरी ही नहीं लेकिन मेरी बहन की भी जिंदगी बचा ली। अब उसकी शादी होगी और मैं उस शादी को अटेंड भी कर सकूंगा। रियली सर, आप हमारे फैमिली के हीरो हैं। थैंक यू। केडी सर, वैसे आपको पता है कि हमारा रेडियो स्टेशन नंबर वन कब से हुआ? आपके लाइव शो के बाद से सर। अच्छा सर, वो आपके और आपकी मदर का इमोशनल कॉल सबसे हाई रेटिंग पर है सर। दरअसल पब्लिक आपके पर्सनल स्टोरी को लेकर कुछ जानना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। अच्छा, आप मेरे निजी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। सुनते रहिए, देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.